हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है यूवी और आप देख रहे हैं इनसाइड द यूनिवर्सल बॉक्स। दोस्तों आज है हफ्ते का पहला दिन मंडे और आज आपके लिए खास हम लेके आए यूनिवर्सल बॉक्स न्यूज में खास आपके लिए क्या है नया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी टेक न्यूज। जिस प्रकार हमारे इंडिया में चाइनीज ब्रांड स्मार्टफोन का जो ब्रांड की जो वैल्यू चल रही है, चाइनीज स्मार्टफोन का जो दबदबा चल रहा है, मानो हमारे इंडियन ब्रांड्स तो पूरे खत्म हो चुके हैं। पर दोस्तों वैसा नहीं है। हाल ही में सुनने में आया है कि माइक्रोमैक्स के जो को फाउंडर है राहुल शर्मा, उन्होंने हाल ही में ट्वीट किया है वो अपने माइक्रोमैक्स के इन सीरीज वाले फोन का लॉन्च करने जा रहे हैं। जो दो फोन वो हाल ही में लॉन्च करने जा रहे हैं दोस्तों। अगर हम इसके पहले फ़ोन की अगर बात करते हैं, इन सीरीज में आपको अच्छे अच्छे फीचर्स वाला एक कम बजट स्मार्टफोन आपको मिल सकता है दोस्तों। तो क्या है इसके फीचर्स, हम आपको शॉर्ट में बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको मिल जाएगा दोस्तों। साथ में ये मीडियाटेक के G35 प्रोसेसर पर आपको ये क्या मिल रहा है, प्रोसेसर के ऊपर ये फ़ोन मिल सकता है 3GB और 2GB रैम और साथ में 32GB वेरिएंट के साथ ये आपको मिल जाएंगे दोस्तों। अगर हम इसके कैमरा की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप आपको मिल सकता है, जहाँ पे आपको 13+2 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको मिल सकता है। अगर इसके साथ एक दूसरा भी फ़ोन कंपनी लॉन्च करने जा रही है, जो माइक्रोमैक्स का A1, वो फ़ोन आपको 4GB वेरिएंट में 32GB वेरिएंट के साथ आपको देखने को मिल सकता है, जहाँ पे आपको हेलिया का P35 प्रोसेसर आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों सोनी ने अपना PlayStation 5 लॉन्च कर दिया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है इसकी डिजिटल एडिशन प्राइस की अगर हम बात करते हैं सोनी के PlayStation 5 की, तो ये आपको मिल सकता है 49,999 रुपये, मतलब 50,000 रुपये में अंदर ही आपको ये मिल सकता है। जिसके सेकंड प्राइस भी अगर बात करते तो 39,999 में आपको ये कम बजट में भी आपको ये कम पैकेज वाला PlayStation 5 भी आपको मिल सकता है दोस्तों। अगर आपके PlayStation में अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल रहा है ड्यूअल सेंस वायरलेस कंट्रोल के साथ दोस्तों, जो आपको अलग से ज़्यादा कुछ अमाउंट भी पेड करना पड़ सकता है। अगर इसके हम चार्जिंग स्टेशन और कंट्रोलर सेट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कम से कम 25 से 90 रुपये भी आपको यहाँ पे पेड करने पड़ सकते हैं। अगर आप PlayStation लवर हो और आपको HD कैमरा यूज़ करने के साथ साथ आपको गेम्स रिकॉर्डिंग भी और स्ट्रीमिंग करनी है, तो हाल ही आपको यहाँ पे अलग से पैसे पेड करने पड़ सकते हैं, जहाँ पे कम से कम 5 से 5,500 रुपये आपको देने पड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इस PlayStation 5 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे खासे गेम मिल जाएंगे। जहाँ पे देखा जाए तो डिमन सोल्स का नाम एक गेम है जो बहुत ही अच्छा गेम है, डिस्ट्रक्शन ऑल स्टार्स, साथ में सैक बॉय, द बिग एडवेंचर और अपना फेवरेट दोस्तों मार्वल्स के जो गेम्स हैं, मार्वल स्पाइडरमैन माइल्स मॉरल इसका अल्टीमेट एडिशन और साथ ही में इसका जो ओल्ड वर्जन है दोस्तों स्पाइडरमैन मार्वल्स का जो स्पाइडरमैन माइल्स मॉरल, ये भी गेम साथ में होने वाला है। पर अगर इसके जो रिजोल्यूशन की अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको जो PlayStation 5 का जो मॉडल है सोनी ने जो लॉन्च किया है, यहाँ पे आपको 4K रिजोल्यूशन के साथ 120fps का मिल सकता है, एक बेस्ट रिजोल्यूशन के साथ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों बेस्ट एक PlayStation इन्होंने लॉन्च किया है कम बजट में, वो देखते हैं प्राइस अगर हाई है तो लोग लें, क्योंकि PlayStation 5 है और हमारे जो ओल्ड PlayStation 4 और PlayStation 5 में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है दोस्तों। और दोस्तों आपके लिए एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आपको हमारी यूनिवर्सल बॉक्स न्यूज़ अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बजा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और दोस्तों सैमसंग की क्या बात कर रही है, हर महीने हर फोन लॉन्च कर रहे हैं, हर गैजेट्स लॉन्च कर रहे हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज भी एक ऐसा गैजेट उन्होंने लॉन्च कर दिया है, उसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी की फिट बैंड 2। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने एक अपना खुद का एक बैंड 2 लॉन्च किया है जिसका नाम है फिट
टू, सैमसंग गैलेक्सी फेड टू। जी हाँ दोस्तों, इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी ने एक जबरदस्त फीचर दिया है कोरोना को मद्देनजर रखते हुए। इस फीड बैंड में आपको मिल सकता है दोस्तों एक ऐसा फीचर जो हैंड वॉश फीचर बोल सकते हैं, जो आपको समय समय पर हाथ धोने के लिए याद दिलाता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों इसके साथ आपको देखने को मिल सकता है इस फीड बैंड में आपको 1.1 इंच का एमोलेड डिस्प्ले, जो बेहतर विजिबिलिटी के साथ आपको 450 निट्स के साथ आपको बेहतर ब्राइटनेस भी आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम इसकी बैटरी बैकअप की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 159 mAh की बैटरी बैकअप आपको सिंगल चार्ज में ये 15 दिन का बैकअप दे देती है। और अगर इसके बाकी फीचर्स की अगर बात करते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है एक बेस्ट जहाँ पे फिट बैंड के ऊपर एक बटन दिया है, जहाँ पे आपको नेविगेशन हो गया, रिटर्न टू होम हो गया, वेकअप कॉल हो गया, और कैंसिल जैसे आपके सिंपल ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर इसके हम वॉच फीचर्स की अगर बात करते हैं, जहाँ पे आपको 70 से भी अधिक वॉच फीचर्स डाउनलोड करके क्या कस्टमाइज किया जा सकता है, और साथ ही में इसके ऑटोमेटिक 5 वर्कआउट मोड और सैमसंग के हेल्थ ऐप से आपको कम से कम 90 से भी अधिक वर्कआउट मोड क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सैमसंग गैलेक्सी ने एक जबरदस्त फिट बैंड लॉन्च किया है, जहाँ से इसकी अगर प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको मिल सकता है 3,999 रुपीज़, मतलब करीब करीब 4,000 रुपये आपको इसके लिए पे करने पड़ेंगे दोस्तों। तो अच्छा है, एक नया फिट बैंड बेस्ट है दोस्तों। और दोस्तों जिस प्रकार अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे एक जबरदस्त सेल चल रहा है, तो दोस्तों आप लोगों ने इसका फायदा उठाया कि नहीं? दोस्तों फायदा तो उठाना चाहिए, क्योंकि आज ये फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज पर एक फोन बहुत ही चर्चा में है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है LG का G8X, एक बेहतरीन फोन है दोस्तों, जहाँ पे बहुत अच्छी ऑफर मिल रही है। ये फोन चर्चे में इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस LG G8X, मतलब LG इलेक्ट्रॉनिक्स का जो G8X मॉडल है, वो 12 घंटे में दोस्तों 350 करोड़ फोन सेलिंग हो चुके हैं दोस्तों। 12 घंटे में 350 करोड़ फोन LG इलेक्ट्रॉनिक्स का ये मॉडल सेल हो चुका है। क्या है इसके डिटेल्स देखे दोस्तों, यहाँ पे आपको इस फोन के ऊपर एक बेहतरीन ऑफर मिल रहा है। जगह आप देखते हो इस फोन के बारे में, तो ये आपको बेस्ट बजट में मिल सकता है। अब ये फोन जो लॉन्च हुआ था दोस्तों, यहाँ पे इसकी प्राइस थी जो 50,000 थी, अब ये घटकर कम से कम 21,000 से 22,000 हो गए हैं। अब यहाँ पे जो ऑफर चल रही है जो इस प्रकार है दोस्तों, कि अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड होल्डर हो तो यहाँ पे आपको 10% की छूट मिल रही है। अगर आप अदर बैंक, चाहे एक्सिस हो गया, ICICI बैंक के अगर कार्ड होल्डर, यहाँ पे आपको 5% डिस्काउंट भी मिल रहा, जहाँ पे आपको 5% कैशबैक का भी सपोर्ट मिल सकता है। उसके बाद अगर आप चलो मान के चलो कि आपको फोन अपना एक्सचेंज भी करवाना है इस मॉडल के साथ, तो एक्सचेंज ऑफर के साथ आपको कम से कम 16,500 का भी फायदा हो सकता है दोस्तों। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, एक अच्छी ऑफर इस फोन पे कंपनी ने फ्लिपकार्ट के ऊपर दी है, तो एक बहुत अच्छा खासा फोन है। अगर हम इसकी फोन के अगर कुछ डिटेल्स की अगर बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों ये एक ड्यूअल स्क्रीन फोन है, जो ड्यूअल स्क्रीन वाला फोन है। यहाँ पे अगर आप इस फोन की अगर छोटे फीचर्स की अगर ही हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 1080x2340 का एक हाई रिजोल्यूशन वाला आपको 6.4 इंच का एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल जाता है दोस्तों। अगर इसके हम एस्पेक्ट रेशियो की अगर हम बात करते हैं, तो यह आपको 19:9 ये आपको एस्पेक्ट रेशियो को मिल जाता है। अगर इसके बाकी के अगर फीचर्स में आपको देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको 6GB रैम और साथ ही में 128GB का स्टोरेज वाला एक फोन आपको मिल जाएगा। अगर इसके कैमरे की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 12MP का प्राइमरी कैमरा प्लस 13MP का आपको वाइड एंगल लेंस के साथ मिल रहा है, और 32MP का सेल्फी कैमरा। ये आपको 4,000 mAh की बैटरी के साथ ये आपको अच्छा पैकेज मिलता है। हालांकि यहाँ पे आपको देखने को मिल तो जाता है कि ये ड्यूअल स्क्रीन फोन है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ 2.1 इंच का मोनोक्रोमिक डिस्प्ले, जहाँ पे आप
नेवी जहाँ पे आप नोटिफिकेशन हो गए, टाइम हो गया, बैटरी परसेंटेज आप देख सकते हैं। तो दोस्तों एक बेस्ट बजट फ़ोन है यहाँ पे एलजी का, जो बहुत ही सेल हो रहा है। तो आपको ये देखना जरूरी होगा कि एक अच्छा खासा बजट वाला फ़ोन आपको कम बजट में मिल रहा है। और दोस्तों अगली न्यूज़ है जियो की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, मुकेश अंबानी सर ने एक जाहिर किया है कि उन्होंने उनकी 43 एनुअल जनरल मीटिंग में उन्होंने ये जाहिर किया है कि वो आने वाले समय में हमारे भारतीय लोगों के लिए एक कम बजट वाला 5G स्मार्ट लॉन्च करने जा रहे हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छी न्यूज़ है, 5G स्मार्ट फोन लॉन्च कर रहे हैं, वो भी कम से कम 3,000 रुपये के बजट में दोस्तों। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों हमारे भारतीय लोगों के लिए। हालांकि उन लोगों ने एक टारगेट लिया है कि 20 करोड़ लोगों तक ये फ़ोन पहुंचाने की उनकी एक टारगेट लिया है। तो एक अच्छा डिसीजन है दोस्तों 5G फ़ोन लॉन्च करने जा रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो हमारे देश में 5G का एक अलॉटमेंट नहीं आया है, फिर भी रिलायंस ने हमारी गवर्नमेंट के पास एक 5G का क्या है चर्चा सत्र जाहिर किया है। तो ये बहुत एक अच्छी बात है, एक कम बजट में एक अच्छा 5G फोन हमारे लोगों को देखने को मिल सकता है दोस्तों, वो भी 20 करोड़ लोगों तक यूज़र पहुंचाने। अब जैसे जैसे इसकी डिमांड भी बढ़ती जाएंगी, इसकी बिक्री भी बढ़ती जाएंगी, क्योंकि आपको लोगों को तो मालूम है कि पहले इन 2-2.5 सालों में जियो ने कितनी ग्रोथ की है अपने फ़ोन्स को लेकर एक कम पैकेज में। तो ये एक अच्छा पैकेज होने वाला है हमारे भारतीय लोगों के लिए दोस्तों। तो दोस्तों आज की ये आपको यूनिवर्सल बॉक्स न्यूज़ कैसी लगी है हमको जरूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही अगले एक टॉपिक के ऊपर, अगले ही यूनिवर्सल बॉक्स न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। Every single day.